हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हाउ यू ऑल आई होप आर ग्रेट सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि भाई ये वीडियोज़ हिंदी में बनाया करो यार अंग्रेजी में अंग्रेजी पल्ले नहीं पड़ती तो मैं का फिर मैंने इस चीज़ को नोटिस किया है बहुत देर से डिमांड आ रही थी जब से मैंने इस चैनल स्टार्ट किया है बात समझनी आनी चाहिए बस चाहे लैंग्वेज बैरियर नहीं बनना चाहिए सो इफ इंग्लिश लैंग्वेज इज बिकमिंग बैरियर सो लेट्स मेक दिस वीडियो इन हिंदी कोई चक्कर नहीं है हिंदी में हिंदी में बोल देंगे पंजाबी में बोलोगे पंजाबी में बना देंगे आजकल मैं स्पेनिश भी सीख रहा हूँ स्पेनिश में भी बना दूंगा वीडियो कोई चक्कर नहीं ठीक है आज का टॉपिक हम डिस्कस करेंगे हाउ अट्रैक्शन वर्क्स ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि एक ऐसा टॉपिक है जो नॉर्मली लड़कों को आइडिया भी नहीं है इस चीज का क्योंकि उन्होंने बहुत सारी फिल्में देख रखी हैं इधर उधर की मूवीज़ एंड टीवी शोज देख रखे हैं उनको एक्चुअल में रियलिटी में अट्रैक्शन का मतलब क्या होता है उनको सिर्फ एक ही चीज़ पता है अट्रैक्शन मतलब कि तुम ब्रैड पिट जैसे दिखने चाहिए तुम ऋतिक रोशन जैसे जब तक दिखते नहीं हो तो तुम अट्रैक्टिव नहीं हो इट्स ऑल अबाउट फेस जिन बस इतना ही समझ में आती है लड़कों को इसमें वो बहुत डिटेल में पिन पॉइंट करूंगा कहां कहां कोई इंसान गलतियां करता है और कहां कहां तुम सीख सकते हो कि अट्रैक्शन सिर्फ फिजिकल लुक्स और ये सब चीजें नहीं होती हैं और ये मैं प्रूव करूंगा इस वीडियो में मैं क्यों बोलता हूं ऐसा चलो देखते हैं क्या है ठीक है सी यू ऑन अदर साइड I, at the rate, just explain. I saw your video, great content, man. It's really helping us guys to understand the psychology of women, because growing up, no one teaches this stuff to us guys. Our friends, our fathers, are clueless <laughs> and don't know what today's women are really like. इट्स नॉट रियली अबाउट टूडेज वेमेन ऐसा नहीं है कि कोई पुरानी लड़कियां अलग थी आज की लड़कियां अलग हैं नेक्स्ट जनरेशन की लड़कियां अलग होंगी लड़कियां लड़कियां ही होती हैं हर लड़की कोई ना कोई परफेक्ट सोलमेट ढूंढने की ही कोशिश कर रही होती है हर लड़की को ही एक मैस्कुल सक्सेसफुल बंदा चाहिए होता है सिंपल सी बात है ना यार उसको अपना बच्चा भी तो पैदा करना है उसको कोई बंदा चाहिए ना जो उसका ख्याल रख सके उसके बच्चों का ख्याल रख सके और अच्छी फैमिली दे सके सिंपल सा ऑब्जेक्टिव होता है लड़कियों का और कुछ भी नहीं बट ये सिंपल ऑब्जेक्टिव वो अपने माइंड में एक फेरी टेल एक लव स्टोरी के थ्रू पहुंचना चाहती है इस सिंपल ऑब्जेक्टिव पे गर्ल्स आर ऑल द सेम आई वॉन्ट टू शेयर माई स्टोरी अबाउट अ गर्ल आई वॉज डेटिंग एंड माई माइंड इज डम स्ट्रक I have good experience with women and consider myself to be better than average looking, but this girl really confused me. I am 29 years old and I am a doctor based out of Delhi. I met this hot chick in a bar. Strangely, she was a friend of one of my buddies and he introduced me to her. She was with two of her friends and we were two guys, so we invited them over to join us.

And a good way to even test that girl has given you the right number or not। hmm. बड़े ध्यान से समझो एक बात को तुमने जब उसको कॉल किया सिर्फ ये चेक करने के लिए कि उसने तुम्हें गलत नंबर तो नहीं दिया तुमने ऑटोमेटिकली उसके माइंड में एक चीज घुसा दी इस बंदे ने पहले भी बहुत लड़कियों के ऊपर ट्राई किया है और उन लड़कियों ने इसको गलत नंबर दिया हुआ है तो तुम एक ऑटोमेटिकली एक पोजिशन ऑफ वीकनेस पे आ गए हाँ, अगर तुम्हें अपना कांटेक्ट इंफॉर्मेशन उसको देना है तो वट आई डू इज आई टेक्सट हर बाई से टाइम टेक्सटिंग यू माई नंबर यू सेव इट अब उसके पास वो टेक्स्ट पहुंचा नहीं पहुंचा आई कैन नॉट नो दैट बट आई एम टेलिंग हर दैट आई एम टेक्सटिंग यू इवन इफ उसने मुझे गलत नंबर भी दिया है ना मैं ये पॉइंट आउट नहीं करूंगा उसको वहां पे। आई विल अज्यूम शी गेव मी द राइट नंबर क्योंकि आई ऑसम awesome. मुझे कोई गलत नंबर देता ही नहीं है जिस दिन तुम ये मेंटेलिटी बना लोगे अपनी तो किसी ने गलत नंबर दे भी दिया तो कोई बात नहीं घर जाओ तुमने कॉल किया उसको गलत नंबर निकला कोई बात नहीं बट अगर तुम वो टेस्ट करोगे तो यूर कॉलिंग हर आउट ना एट दैट टाइम कि भाई तुमने गलत नंबर दिया मान लो उसने गलत दिया तो कितना एम्बेसिंग होगा तो वो तुम्हें सही नंबर देना चाहती ही नहीं भाई जब तो कोई लड़की एक्साइटेड ही नहीं है वो तुम्हें गलत नंबर दे रही है जो भी दी है तुम लेके निकलो वहां से ढी साइकोलॉजी समझनी है देन वी हग्ड एंड वेंट ऑफ एड आई रीज होम टू आस्कर वेदर शी रीज होम और नॉट यहां पे तुम बहुत ज्यादा चिंदी हो रहे हो अभी अभी तुम उसको मिले हो आधे घंटे में तुम घर पहुंच गए हो तुम सेफ पहुंची कि नहीं तुम्हारी तुम्हारी गर्लफ्रेंड है तुम डेट पे गए थे ंगस आर क्यूट एंड रोमांटिक जब तुम किसी के साथ डेट पे जा रहे हो बिना बात के जेब बोझ तुम्हें क्या लेना देना यार? It's like, तुम उसको ऑलरेडी इतनी पावर दे रहे हो कि भाई गर्ल्स गेट अट्रैक्टेड टू guys जिनकी फीलिंग्स का अता पता नहीं होता कुछ इन द सेंस अगर कोई लड़का बहुत श्योर है मैं तुझे तो बहुत लाइक करता हूँ मैं तो इसे बहुत अट्रैक्टेड हूँ मैं तो दीवाना हूं मैं पागल हूँ लड़कियां डर जाती है ऐसे लोगों से सफोकेट हो जाती है क्या लगा रखा है यार फिर वो मैटर भी नहीं करता कि वो दिखता कैसे तुम बहुत अच्छी हो तुम ये हो तुम परी हो तुम ये हो फलाना हो ऐसे ऐसे टेक्स्ट करने लग जाओगे तुम सेफ पहुंची कि नहीं हो मेरे बेबी ओए तुम मिले भी नहीं उसको तुम डेट पे भी नहीं गए क्या बातें करे जा रहे हो तुम्हें क्या लेना देना है शी रिप्लाइड बैक द नेक्स्ट डे इन द मॉर्निंग ऑब्वियसली वो रात को भी कर सकती थी उसने क्यों नहीं किया तुमने सफोकेट कर दिया क्या लगा रखा है ये सब दीज़ आर वेरी सटल थिंग्स जहां पे तुम एक प्रोस्पेक्टिव बहुत ही सही रिलेशनशिप को सैबाइज कर देते हो खत्म कर देते हो वहीं के वहीं, टर्न ऑफ कर देते हो उसने सुबह मैसेज किया इसको एंड एज सुन एज शी रिप्लाइड वी स्टार्टेड टॉकिंग ओवर टेक्स्ट एंड आई आज डर आउट ऑन अ डेट गुड तुमने टाइम वेस्ट नहीं किया बट द प्रॉब इज वॉट रियली यू शुड है उसका नंबर लिया ठीक है घर गए तुम्हें दो तीन दिन तक उसको कोई मैसेज या कॉल कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी क्योंकि गिवन यू यू हर नंबर सोचने दो तुम्हारे बारे में यार वो बंदा मुझे मिला था उसने नंबर ले लिया उसने मुझे कॉल क्यों नहीं किया क्योंकि अब तक मैं तो इतनी सुंदर हूं कि और लड़कियों की आदत होती है उन उनके माइंड को ट्रेन हम लड़कों ने ही तो किया है हम लड़कों ने ही तो उसको बिगाड़ा है कि जैसे ही मैंने नंबर लिया वो घर जाते ही मुझे ही मुझे मुझे करने लग लग जाएगा जाएगा अगले दिन से डेट पूछने वो रेडी होती है तो जिस चीज के लिए वो प्रिपेयर्ड है तुम वही चीजें करे जा रहे हो करे जा रहे हो तो वो एक टाइम पे उसको मजा आएगा लेकिन एक टाइम पे बोर हो जाएगी मजा सिर्फ इसलिए नहीं आएगा कि तुम कर रहे हो मजा इसलिए आएगा कि उसको पावरफुल फील होता है कि यार हीज लाइक एन ओपन बुक ही इज सो प्रेबल सो गर्ल्स डोंट रियली वॉन्ट दैट्री एंटीसिपेशन कहा उसने तुमने कल ही मैसेज किया उसने भी यही सोचा था कल ही मुझे कॉल करेगा खत्म कहा नहीं तुम ऑटोमेटिकली उनको पावर क्यों दे देते हो बिना बात के उसको एटलीस्ट तीन चार दिन सोचने तो दो कि भाई उसने मुझे मैसेज ही नहीं किया अब तक क्या मतलब उसको मैं पसंद नहीं आई थी उसको सेल्फ डाउट में जाने दो जितना उसको सर पे चढ़ाओगे चौधरी बनाओगे ना कि मैं तो बहुत सुंदर हूँ तो फिर एक टाइम पे ऐसा होएगा कि देर आर सम गर्ल्स जो तुमसे ज्यादा ही तुम में इंटरेस्टेड होती है तो वो खुद तुझे दो दिन बाद कॉल कर लेगी या मैसेज करेगी हाई व्हाट्सअप व्हाट्स गोइंग ऑन मेरे साथ हुआ हुआ है ऐसा आई गॉट नंबर एंड फ्रेंकली सेंग आई वॉज नॉट इवन प्लेइंग विद हर मैं भूल ही गया मैं कैब में जा रहा था मैंने किसी का नंबर ले लिया मैं भूल ही मेरे पास नंबर है उसका एक हफ्ते बाद जाके उसका खुद का कॉल आया हाय वी मेट इन कैब वट्सअप तो फिर मुझे याद आया अच्छा यार मैंने तो इसका नंबर लिया हुआ था दीस थिंग्स हैपन इफ दे आर रियली अट्रैक्टेड टू यू तो दे विल रीच आउट टू यू बट एट लीस्ट एक मौका तो दो उनको रीच आउट करने का हाँ तीन चार दिन वेट करो उसने रीच आउट नहीं किया तुम कर लो वो बी वेरी कैजुअल इट्स ओके तीन चार दिन उसको ये नहीं शो करना मैं बिल रहा हूँ इन कामों के लिए मैं नहीं मैं तीन चार दिन बिजी था भाई मैं बिजनेस ट्रिप पर गया था कुछ था मैं बिजी था मेरे पास टाइम नहीं था कॉल वॉल करने का छोड़ना तो उसको वो अप्रिशिएट करेगी कि भाई ही इज नॉट लाइक अदर वाइज बहुत यू नो सोच समझ के बहुत अपना टाइम निकाल के उसने मुझे कॉल किया है वो रिस्पेक्ट करेगी उसने उसको डेट के लिए पूछा एंड शी सेड यस I asked her if she was free the coming Saturday by the way this day is Thursday. She said she already had to go to visit one of her relatives on this weekend. So she wasn't free. And then we started talking a little bit and then I asked her whether she was doing something on Monday when she comes back and she said she would be very tired from all the travel. I asked her when would she like to meet and she said let's see we will plan something.

नेगेटिव इमोशन उसके साथ एसोसिएट उसने मना कर दिया हमेशा कभी किसी के डेट पे पूछना है, फ्री है अगले सैटरडे चलते हैं उसने बोला नहीं मैं वीकेंड पे हूं मंडे चलते हैं तुम रिजेक्ट भी रिजेक्ट हो जा रहे हो क्या सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियां उड़ा रहे हो तुम और कुछ नहीं सिंपल सा ये पूछ लेते भाई अच्छा तू कब फ्री है डेट पे चलने के लिए फिर वो बोले कि नहीं इस वीकेंड तो हूं चलो ठीक है कब फ्री है मेरा क्वेश्चन नहीं पता कब फ्री है मैं नहीं बोल रहा मंडे ट्यूसडे वेस्डे कब फ्री है फिर वो बताएगी तुम्हें डेट और बहुत ही डेफिनेटली अगर वो ये नहीं बोल रही कि वो बोल रही है लेट सी हवा में लटका रही है बातें लेट सी देखेंगे मैं कह चल ठीक है तो अपना स्केड्यूल देख ले कैसा है और जब भी फ्री हो ना मुझे कॉल कर इससे एक तीर में दो निशाने हैं क्या एक तो तुम्हें वो मैसेज करके और कॉल करके और डेट तक जब तक मिलती नहीं तब तक टाइम वेस्ट नहीं करेगी तुम्हारा चाहे तुम मुझे लगे कि तो डॉक्टर हो तुम अगर तुम वेले भी हो तब भी उसको थोड़ी ना शो करना है कि तुम वेले हो यू आर जस्ट फ्री टू टॉक टू हर ऑन व्हाट्सएप भाई तुमने जो बात करनी है ना डेट पे जाके करो उसके पहले एक भी बात करने की जरूरत नहीं एक मैसेज करने की जरूरत नहीं उसके साथ डेट पे मिलो वहां पे बातें करो जो बातें करनी है एक हफ्ता जो तुमने किया है वो डिस्कस करो डेट पे एंड दिस कीप्स ऑन 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 गोइंग एंड वीक 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 आफ्टर इन दैट यू यू डिड डिस्कस द डेट नॉट इन बिटवीन कि पूरा दिन की कहानियां समझा रहे हो उसको आज ये हुआ आज इसका पेशेंट का ये किया मैंने उसके इसकी सर्जरी की उसको वो सब कहानियां मिलके बताओ दिस इज हाउ यू बिल्ड अप कनेक्शन विद समवन ये चिट चैट और फोन पे बातें करके कुछ नहीं होने वाला एक डेफिनेट डेट सेट कर दो अगर मान लो उसने दिन दे दिया चलो ठीक है मैं वेंसडे को फ्री हूं वेंसडे नाइन पी एम यहां मिलेंगे आई पिक यू फ्रॉम योर हॉस्टल और योर होम वॉट एवर सीधा उसको टाइमिंग दो फिर एक डेफिनेट टाइम सेट कर लो डेट का क्योंकि तुम चाहे अपने आप को जितना मर्जी वेला समझते हो उसको ये लगना चाहिए कि तुम बिजी हो डेटिंग इज लाइक टेनिस यू हैव टू हिट एज मेनी बॉल्स एज मेनी शी इज हिटिंग बैक एंड इफ शी इज नॉट हिटिंग बैक और गिविंग द डेफिनेट टाइम डोंट हिट एन अदर बॉल कि तुमने डेट के लिए पूछा उसने लटका दिया तुम फिर मैसेज कर रहे हो कोई और मंडेन चीज की बात कर? ना 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 डेट के लिए पूछा वही रखो उसकी बॉल और उसको बोलो कि जब तक तू मुझे कॉल करेगी तब तक तू सोच ले कि तूने किस दिन फ्री होएगी. Now, उस वो जब भी तुम्हें कॉल करेगी अज्यूम करना कि उसने डेट का टाइम डिसाइड कर लिया है तो उसने अगर कॉल किया या मैसेज किया यू डिसाइड एंड आई टॉक टू यूर लेटर आई एम लिटिल बिजी यू डोंट है डेफिनेट hey, to डेट ही नहीं दे रही इतनी कौन सी बिजी है वो वो तुमसे बात करना चाहती है पहले फोन पे मैसेजेस पे कहानियां बनाना चाहती है मे बी शी शी फ्रॉम दिस यंग जनरेशन जहां पे वो व्हाट्सएप व्हाट्सएप पे चौबीस घंटे लड़कियां चिपकी रहती हैं इंस्टाग्राम पे तो वो सब करने की जरूरत नहीं है यू हैव टू शो हर दैट यू आर मच्योर दैन हर बच्चे नहीं हो जो चिटचैट करी जाएंगे या कॉल पे बातें करी जाएंगे हफ्ता हफ्ता दो दो हफ्ते कोई अंत कोई एक दो मिनट बात करके बोलो कि मैं बिजी हूं मैं ये हूं मैं वो हूं उसको कभी कॉन्वर्जेशन देनी ही नहीं जब तक वो मुझे डेट नहीं देती और वो डेट पे नहीं जाना चाहती भाड़ में गई यू डोंट हैव टू बी हर फ्रेंड यू डोंट हैव टू बी हर व्हाट्सएप वी कीप टॉकिंग ओवर मैसेज एवरी डे एंड शी इज बींग हॉट एंड कोल्ड बिकॉज शी नेवर सजेस्टेड और आज मी आउट ऑन अ डेट अगेन it has been two weeks since i met her and i really don't want to ask her out again because it, it would hurt my self-respect. i don't know whether she is really into me or she likes me or she is just playing games with me. see, at this point, girl, every girl plays games with you. see, the problem is the lesser mature you she thinks you are, the more power you are giving her and more games she plays. every girl does that.

तो वो तुम्हें डेट देगी अगर वो इंटरेस्टेड नहीं होगी तो वो जान के ऐसे ही ना बातें करने की कोशिश करेगी कॉल करने और भी क्या चल रहा है ये वो अपने दिन के बारे में तुम्हें बताने की कोशिश करेगी दिस शोज दैट शी इज एक्चुअली प्लेइंग गेम्स विद यू एंड शी जस्ट वॉन्ट्स एन इमोशनल सपोर्ट सिस्टम नथिंग एल्स ठीक है एंड यू डोंट वॉन्ट टू गेट स्टक इन टू दैट मेल फ्रेंड जोन डोंट टॉक टू हर अनलेस शी इज गिविंग यू अ डेफिनेट डेट एंड इफ शी इज नॉट फॉरगेट अबाउट हर डिलीट हर नंबर एंड मूव ऑन विद योर लाइफ

इज द एटीट्यूड यू शुड हैव चाहे तुम घर बैठ के मक्खियां क्यों ना मार रहे हो तुमने उसको यही शो करना है कि तुम तो पता नहीं कौन से साइंटिस्ट हो भाई मैं नहीं फ्री होता समझे जिस दिन ये साइकोलॉजी समझ में आ जाएगी उस दिन अपने आप ही सारे लोग इट्स नॉट अबाउट गर्ल्स सारे लोग तुम्हें रिस्पेक्ट करने लग जाएंगे क्योंकि मैं वेला नहीं हुआ मेरे पास नहीं पालतू हुआ तो ठीक है चलो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल और तुमने अगर मेरा ब्लॉग वगैरह चेक करना है तो डब्लू डब्ल्यू डब्लू डॉट वाइज रिलेशन डॉट कॉम पर जाके तुम चेक कर सकते हो और इंस्टाग्राम तुमने करना है तो यू कैन फॉलो मी एट द रेट जस्ट एक्सप्लेन्स चलो वी टेक केयर सी यू नेक्स्ट फ्राइडे नाइन पी एम और बताना मुझे हिंदी में वीडियो कैसी लगी ताकि अगर मैं अगली बार बनाऊँ तो फिर मैं हिंदी में बनाऊँगी इंग्लिश में बताऊँगा एक बार थोड़ा बता देना ठीक है चलो ओके okay.